बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल एजुकेशन भी डिफेंस पे। आज हम इस वीडियो पे क्लास 11 फिजिक्स इंग्लिश मीडियम के लिए हम क्वेश्चन बैंक जो आपको मिला है स्कूल की तरफ से उसके ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। और यदि आपका सपोर्ट रहा तो आप का यदि सपोर्ट रहा तो हम फिर न्यूमेरिकल प्लस उसके जो आंसर्स हैं चैप्टर बाई चैप्टर कराएंगे। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम बेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को इस वीडियो में आपको लाना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में क्या दिया है कि 1 लाइट ईयर की वैल्यू बताना है। तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी ऑप्शन आपको मार देना है, 9.46 × 10^15। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, सेकंड ऑप्शन ये कहता है कि एक ए एम यू इज इक्वल टू कितना होगा, ए एम यू इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे जो आपके पास में है, कौन सा, सी ऑप्शन, ए एम यू में क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, इसके तुरंत बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि एक एंगस्ट्रॉम जो ये लिखा है यहाँ पे आप समझने का प्रयास करिए, ये एक एंगस्ट्रॉम इस तरह का पढ़े होंगे, ए की पावर ऊपर ऐसा बना रहता है, कितना होता है, सबको वैल्यू पता होगी 10^-10 m। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। समझ पा रहे हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक। इसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको लाइव ही क्लास लेनी है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट पूछा है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, ए ऑप्शन आपको क्या करना है, करेक्ट है। तो ए ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, ठीक है। मैं इरेजर करते जा रहा हूँ क्योंकि इरेजर ज़रूरी है यहाँ पास, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये पूछा है कि डायमेंशनली करेक्ट कौन सा रिलेशन है। तो डायमेंशनली करेक्ट कौन सा रिलेशन है, डी ऑप्शन आपको क्या नज़र आ रहा है, डी ऑप्शन। एक चीज़ मैं बता दूं, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम भी स्क्वायर लिखा है, वो जो ए आपको दिख रहा है वो एम भी स्क्वायर है, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान देना होगा, ठीक, उसको आपको क्या करना है, ध्यान देना, ठीक। इसको इरेजर कर लूँ थोड़ा सा, उसको आपको ध्यान देना है कि ये ए की जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद में बिल्कुल जल्दी कराए जाएंगे क्वेश्चन। अब इसके बाद में इसमें क्या करना है, देखिए एक बैलून में साइड दी हुई है 1 cm इज इक्वल टू, ठीक है। मतलब ये कि बैलून को क्या बदलना है, भाई मेरे बैलून को क्या करना है, क्यूब में बदलना है, ठीक है, और मीटर में, मतलब सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में बदलना है। तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है यहाँ पास, 1/ आप 1000 लिख दीजिए, बस यही आपका सही आंसर है, ठीक है। 1/1000 लिख दीजिए, बिल्कुल आपका ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जैसे ही आप दूसरे में जाएंगे, दूसरा क्वेश्चन में दिया है इफ़ ट्रेन इज़ मूविंग विथ स्पीड ऑफ 18 km/s इन 1 सेकंड इट विल बी ट्रेवल इन मीटर, ठीक है, कितना ट्रेवल करेगी। तो देखिए सबसे पहले स्पीड दी हुई है इतनी किलोमीटर प्रति सेकंड से चल रही है, तो 18 में जब किलोमीटर प्रति आवर से दिया होना, ट्रिक है 5/18 से आपको क्या करना है, डिवाइड। तो 5/18 से काटेंगे तो कितना बचा, 5 मीटर प्रति सेकंड बचा, ठीक है। तो 5 मीटर प्रति सेकंड बचा दिया स्पीड, और ये क्या दे दिया, टाइम दिया है 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड दिया है। तो डिस्टेंस आपको निकालना था, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 5 दिया है 5 और 1 ये दिया है टाइम, तो 5 × 1 तो 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, अब ये बताइए, होगा। तो बस 5 आंसर,
ठीक है। तो बी का जो आंसर है, बी वाले में जो आप आंसर करेंगे वो 5 मीटर प्रति सेकंड करेंगे, ठीक है। बी में कितना करेंगे, 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, समझ गए। सी ऑप्शन में आपको क्या करना है, 1 kg मीटर, 1 kg मीटर, 1 kg मीटर इंटू सेकंड को किसमें बदलना भाई, ग्राम सेंटीमीटर, मतलब ये कि MKS यूनिट को CGS यूनिट में बदलना है। तो बस आप ये बताइए, 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम, तो इसमें आपको डायरेक्ट कितना लिख देना है, डायरेक्ट आप 10 लिख दीजिए, ठीक है। यदि आपको कन्वर्ट करना सीखना है तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, 1 कितना लिखा है भाई, kg लिखा है ना, तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, मतलब 1000 इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और सेकंड का तो सेकंड, तो कितने हो गए, 10 की पावर भाई, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, तो यहाँ पे जो है 10 की पावर 5 आएगा आपका आंसर, ठीक है। यूट्यूब में जितने भी मैं टीचरों का वीडियो देखा हूँ, सभी टीचर गलत बताए हैं, कन्वर्ट नहीं किए, तुक्का मार रहे हैं, ठीक है। तो MKS को CGS में जब आपको बदलना था तो 10 की पावर 5 इसका आंसर आएगा, बहुत से टीचर तो 10 भर बता दिए हैं, ठीक है, तो 10 की पावर 5 आपको इसमें करना है। डिस्टेंस टू प्लैनेट एंड स्टार आर मेजर्ड बाय मेथड, अच्छा डिस्टेंस प्लैनेट और स्टार के बीच में मेजर जो किया जाता है वो किस मेथड से किया जाता है, तो भाई इसमें आप लिख लीजिए, डायरेक्ट आप लिखेंगे पारसेक, पारसेक आप समझ रहे हैं, पारसेक होता है जो इस डिस्टेंस को नापता है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा क्या, पारसेक, इतना तो आप पढ़े होंगे, डिफिनीशंस होती हैं ये, ठीक है, तो पारसेक इसका आंसर है। आंसर इसमें आपको मिलेंगे नहीं, मैं आपको लिखवाते जा रहा हूँ, आप लिखते चलिए, ठीक है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, पारसेक आपको 5th ऑप्शन में लिखना है, किसमें लिखना है, 5th ऑप्शन में पारसेक लिखना है, सॉरी 5th ऑप्शन में आप पारसेक लिखेंगे, ठीक है, पारसेक 5th ऑप्शन में लिखेंगे, ठीक है, 4th में नहीं लिखेंगे, 5th ऑप्शन में पारसेक आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने कि जो डायमेंशन फार्मूला फोर्स, तो बताइए अब इतना सरल क्वेश्चन बचाना पड़ेगा क्या, तो डायमेंशन फार्मूला फोर्स लिख लीजिए, MLT-2, MLT-2 लिख लीजिए, ठीक है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ किसका हो जाएगा, फोर्स का, MLT-2 और इम्पॉर्टेंट डायमेंशन होता है फोर्स और मोमेंटम का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LNM इज इक्वल टू, देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी सस्पेंस है क्योंकि आपका पेपर आया था हिंदी मीडियम से और उसको कन्वर्ट किया गया था, ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन है मेरे हिसाब से, यहाँ पास हो सकता है कुछ और आंसर हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से बता सकता हूँ, एल ये जो एल एन लिखा हुआ है, एल एन जो लिखा हुआ है ना, एल एन वो लॉग के बराबर होता है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से LNM जो लिखा है तो बस यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में लॉग लिख दीजिए, या यम पहले से लिखे, केवल लॉग इसका आंसर आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इसमें काफ़ी जितने भी वीडियो हैं काफ़ी उसमें सब में अलग अलग बताया हुआ है, तो मेरे हिसाब से लॉग आपका इसमें सटीक आंसर बैठेगा, ठीक है, क्योंकि LN आप जानते होंगे लॉग को लिखते हैं, ठीक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लॉग ज़रूरी है। इसके बाद में पारसेक इज़ अ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, बताइए अभी भी फिर से आया था पारसेक, तो इसमें लिख लेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस कोई दिक्कत नहीं। दूसरा व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, इसको आपको बुक से लिखना है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, मतलब टोटल एरर जो होता है उसी को एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, ठीक है। ये एरर के जो जितने क्वेश्चन हैं 1 2 3 4, चारों क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपको चारों क्वेश्चन बुक से लिखना है, आप जैसे ही पहला सेकंड चैप्टर खोलेंगे ना तो डायरेक्ट इसके पूरे क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे ही आप पीछे जाएंगे तो वो जो मतलब शॉर्ट में बिल्कुल नोट्स जो लास्ट में लिखी रहती है
बुकों में, उससे डायरेक्ट आप, या कि आप ट्यूशन पढ़े होंगे तो उससे आपको करना है। तो चैनल को देखिए, सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम में आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। इसके बाद में देखिए, यहाँ से पूरे क्या हैं, यहाँ से पूरे हैं, मैं आपको देखिए एक नंबर में आपको बताने वाली चीज़ें यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे देखिए इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट पूछा है, सातवां से मैं बता दे रहा हूँ नौवें तक, सातवें से नौवें तक मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको सातवें में क्या करना है, सबसे पहले सातवें में क्या करना है कि सातवें में देखा है फिजिकल, मतलब जो सातवें में क्या बोला है कि मतलब क्या बताना है आपको, सिग्निफिकेंट डिजिट, तो जितनी संख्या गिन लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6, जिसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। इसके बाद में राइट द यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल ये, ठीक है। मतलब ये कि फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है, ठीक है, लेकिन उसको फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में लिखिए, तो क्या लिखना है उसको लिख दीजिए केजी, अरे सॉरी लिख दीजिए क्या केजी मीटर प्रति सेकंड -2 प्रति सेकंड -2, ठीक है, ये इसका होगा क्या आंसर, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी आपको बताते चल रहा हूँ, आप लिखते चलिए, क्योंकि मैं जल्दी इसको इरेजर भी करता हूँ, क्योंकि यदि इरेजर नहीं करेंगे तो पूरे वीडियो में कचड़ा ही कचड़ा हो जाएगा। इसके बाद में साइज ऑफ न्यूक्लियस पूछा, साइज ऑफ न्यूक्लियस भाई मेरे 1 फर्मी के बराबर होता है, 1 फर्मी इक्वल टू कितना होता है, 10^-15 कितना होता है मीटर, होता है कि नहीं होता, हाँ, तो 1 फर्मी के बराबर साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, इसको भी आपको याद रखना है और आप लिख लीजिए डायरेक्ट जल्दी जल्दी, ठीक है। तो यहाँ से पहले चैप्टर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले पूरे हो गए हैं, जो आपके आपसे खुद लिखना था उनको आप कॉपी से अपने लिखेंगे और बाकी मेरे हिसाब से पहले हो गए। अब सेकंड चैप्टर में चलते हैं, और ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में यदि लिखना है तो आप ध्यान से, मैं आराम आराम दिखा रहा हूँ, आप इनको देख लेना है, ठीक है। यूनिट सेकंड अब आ रही है, चैप्टर नंबर 4 स्पीड इन द प्लेन, ये सब क्वेश्चन अब आया है, ठीक है। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो क्या है, जो वेक्टर क्वांटिटी, इसमें से क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, बताइए कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है और मोमेंटम भी वेक्टर होती है, आपको पता होगा, ठीक है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। पहला ऑप्शन क्यों नहीं है, प्रेशर ही स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, तो ये नहीं होगी, केवल इतना होगा, ठीक है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन मिस प्रिंटेड भी आएंगे, तो उनमें आपको दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा कौन से क्वेश्चन खराब आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन सही हैं, वो आपको ध्यान देने वाली बातें होंगी। दूसरा क्वेश्चन वेक्टर से क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि कोई टू वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर आर इक्वल टू सम, मतलब ये कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है आर, वो बराबर है किसके, बराबर है किसके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। तो कब बराबर होगा, जब एंगल बिटवीन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0° का होगा, तब दोनों वेक्टर होंगे बराबर, ठीक है, याद रखिएगा, और बराबर। और एक चीज़ याद रखिए कि माइनस में कभी कभी हो जाते हैं, तो जब 90° होंगे तब होगा माइनस, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इस वाले का ऑप्शन जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद में ये बताना है, अब एक क्वेश्चन ये और सस्पेंशियल क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिएगा, मतलब क्या, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में क्या मिसप्रिंट है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर का एंगल, एंगल इज, इसके बाद में ना तो 0° दिया है ना 90° दिया है, और मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है, तो ये मिसप्रिंटेड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ध्यान देना, आपको स्कूल में आपको पूछना है कि ए और बी के बीच में 90° एंगल है या कि 0° एंगल, इसके बाद में आंसर पता चलेगा। लेकिन यदि मैं बता दूं आपको, यदि 0° का दे रहा है, यदि इसके बीच में ए और बी के बीच में 0° का देगा, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल, बी ऑप्शन करेक्ट होगा,
ठीक है, अगर नहीं दे रहा तो फिर दिक्कत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल टू बी प्रोजेक्टेड टू मैक्सिमम डिस्टेंस। अच्छा, मैक्सिमम डिस्टेंस देखो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऐसा होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस मैक्सिमम ये वाली लाइन कहलाती है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट ये वाली लाइन। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा है, मतलब कि जैसे ऐसे ऑब्जेक्ट क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी, ये मैक्सिमम कितने एंगल पे जाएगी, कितने एंगल में जाएगी, कितने एंगल में जाएगी, जल्दी बताइए। तो 45 डिग्री आपका करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो 45 डिग्री बिल्कुल करेक्ट है, और बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में। इसके बाद में हॉरिजेंटल रेंज सेम, किस किस एंगल के लिए हॉरिजेंटल रेंज क्या होगी भाई, सेम होगी, सेम होगी, तो जल्दी बताइए। तो किसके लिए सेम होगी, जल्दी बताइए किसके लिए सेम होगी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन, क्योंकि जो हॉरिजेंटल रेंज है वो सेम होती है कॉम्प्लीमेंट एंगल के लिए। मतलब ये कि यदि कोई एंगल थीटा है तो दूसरा यदि 90 माइनस थीटा है तो उसी एंगल के लिए सेम होगी, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, हॉरिजेंटल रेंज कभी भी एंगल देके आपको पूछेगा कि सेम किसके किसके लिए है, तो एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। तो देखिए, थीटा हम 40 को माने तो दूसरा 90 माइनस थीटा, 90 में 50 घटाओगे 40 आएगा। ठीक है, इसलिए दोनों के बीच में क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केलर क्वांटिटी इज, स्केलर क्वांटिटी इसमें से क्या है, स्केलर क्वांटिटी इसमें से क्या है ये पूछा है, तो बताइए स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी इज। स्केलर क्वांटिटी इज, अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पेंडिंग में रखिए क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी सस्पेंशियल क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट डिफिनीशन वाले में क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अब बताइए। अब इस क्वेश्चन में जीरो वेक्टर पूछा है, तो मैं आप लिखिएगा द वेक्टर विच हैज अनडिटरमाइंड डायरेक्शन, जिस वेक्टर की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है या कि अनडिटरमाइंड डायरेक्शन में होता है उसे जीरो वेक्टर कहते हैं। प्रोजेक्टाइल क्या है, आपको पता है किसी ऑब्जेक्ट को जब थ्रोन करते हैं तो एक पैराबोलिक पाथ बनाकर चलती है, उसी को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है। ए वेक्टर की डायरेक्शन पे आपको क्या बताना है, यूनिट वेक्टर, तो ए वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में फार्मूला ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, चौथा क्वेश्चन, फार्मूला ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इन द फॉर्म ऑफ, ये सेंट्रिपिटल क्या, एक्सेलरेशन, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर हो जाता है। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पूछा, तो ये वरना सेंट्रिपिटल का एक फार्मूला होता है भी स्क्वायर अपॉन आर, आप इसको जानते होंगे, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ द एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी ये होता है, बाकी लीनियर वेलोसिटी के लिए भी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, इसको याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब ये है कि दूसरे यूनिट के भी क्वेश्चन हो चुके हैं क्या, कंप्लीटेड। अब चलिए ऑब्जेक्टिव मेथड चलते हैं, जितने भी हो जाएंगे उतने तक चलना है। इसके बाद में आपको खुद कुछ क्वेश्चन करने हैं। यूनिट थर्ड जो है वर्क एनर्जी और थ्योरम कब करेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल बेहतरीन से कराया जाएगा इस चैनल में, बेहतरीन से न्यूमेरिकल। तो पहला क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होते हैं सभी स्टूडेंट के लिए। वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट। अच्छा, आप यदि वर्क की डिफिनीशन आपको पता है ना तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को आप मोशन करा रहे हैं, मतलब उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, है ना, तो चेंज इट्स डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कुछ भी यहां पे हो सकता है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट ही लिखना है,
ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट ही लिखना है यहाँ पे, पहले का डिस्प्लेसमेंट होगा या कि पोजीशन कभी कभी बुक में लिखर के आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कुछ भी पहले में लिख लीजिएगा, दोनों सही हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन, तो देखिए इसमें भी दो आंसर सही हैं, क्योंकि देखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन एक चीज़ में ये है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो जो है वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो वो क्या करता है, निगेटिव वर्क होता है। क्या होता है, निगेटिव, निगेटिव वर्क डन लिख लीजिए यहाँ पे, निगेटिव वर्क डन लिख लीजिएगा, निगेटिव वर्क डन, या कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है। तो फोर्स है यहाँ, वर्क पूछा तो ठीक है भाई, निगेटिव वर्क इसका सही है। पहले का क्या, पोजीशन है डिस्प्लेसमेंट कुछ भी, दूसरे में क्या करना है आपको, निगेटिव वर्क डन करना है, तीसरे में वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज्ड, क्लोज्ड में बताना है वर्क डन, तो आपको लिख लेना है जीरो, जीरो सर सी का जीरो, रेट ऑफ डूइंग वर्क यहाँ पे आपको लिख लेना है पावर, ठीक है, कार्य करने की दर को पावर कहते हैं। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन किस पे डिपेंड करता है भाई, पाथ पे, तो यहाँ पे आप पाथ लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो हो चुका है लेंदी, इसके आगे से आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है। तो जय हिंद, जय हिंद।